डोनर मिनिस्ट्री के नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का 70th कॉन्फ्रेंस दो दिन का संपन्न हुआ है। कल पूरा चीफ सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्रीज का सेक्रेटरीज, कल पूरा दिन उस मीटिंग हुआ है। उसके साथ आज पूरे चीफ मिनिस्टर्स, पूरे गवर्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज, अलग अलग डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरीज और अदर इन्वाइटीज इस कॉन्फ्रेंस में थे। हमें निर्णय किया है आने वाले दिन में और तेजी गति से नॉर्थ ईस्ट को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ये चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट भी देश के दूसरे प्रांतों के तरह, अदर स्टेट्स के तरह नॉर्थ ईस्ट भी विकास होना चाहिए हर पहल पर। इसके लिए हम कैसा बाढ़ को रोक सकते हैं, कैसा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, इस विषय पर भी आने वाले दिन में हम पूरा ध्यान देंगे। हमारा फर्स्ट एजेंडा, लास्ट एजेंडा नॉर्थ ईस्ट विकास, विकास पर ही होगा। इसके लिए जो केंद्र सरकार का जो 10% GBS का है ग्रास बर्जरी स्कीम, उसको भी हम पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक दो डिपार्टमेंट पैसे बिकॉज ऑफ गाइडलाइंस के कारण, देश का गाइडलाइंस नॉर्थ ईस्ट में तो सफल नहीं हो सकता है, वो गाइडलाइंस भी नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग देने के लिए पूरा पूरा बजट खर्च करने के लिए भी वो भी हम चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा पैसा खर्च नहीं होता है, वापस जाते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, कारण इधर का एग्रीकल्चर का सिस्टम अलग है, इधर का लैंड का सिस्टम अलग है, इसका प्राइवेट होल्डिंग लैंड है, कुछ कम्युनिटी होल्डिंग लैंड है, कुछ गवर्नमेंट होल्डिंग लैंड है। इसी दृष्टिकोण में एग्रीकल्चर लैंड भी कम है, 75% इधर फॉरेस्ट ही है। इसी दृष्टि में इधर गाइडलाइन चेंज करने के लिए भी एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, डोनर मिनिस्ट्री का और स्टेट गवर्नमेंट्स, 8 स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज के साथ एक टास्क फोर्स बनाए, ये मंथ में रिपोर्ट देंगे। ऐसा छोटे छोटे विषय पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर हर कदम, हर पहल पर नॉर्थ ईस्ट विकास पर रास्ते ले जाना चाहिए। आप बहुत खुशी है हमारे लिए, नॉर्थ ईस्ट के जनता के लिए खुशी है, सारी देश के लिए खुशी है। नॉर्थ ईस्ट अभी शांति है, नॉर्थ ईस्ट अभी विकास के रास्ते पर जोर देने का समय है, ये सही समय है, ये समय है, ये अमृत समय है नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए। इसी दृष्टिकोण में भी हम काम कर रहे हैं। अभी जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का स्थापना करके लगभग 72 में इसका स्थापना हुआ है, 50 साल हो रहे हैं, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं। उसका उद्घाटन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, आज तय किया है, प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करेंगे, उनके नेतृत्व में शिलांग में इसका कॉन्फ्रेंस, बड़ा कॉन्फ्रेंस होगा। उससे पूर्व प्रधानमंत्री आने से पहले हर स्टेट में भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मीटिंग होगा, इस संदर्भ में अलग अलग एक्टिविटी होगा, सेमिनार्स होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का एक स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन भी होगा। नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स एंकरेजमेंट करने के लिए भी भारत सरकार निर्णय किया है, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में खोल रहे, और अलग अलग जगह नया एयरपोर्ट लाने वाले हैं, नया रेलवे स्टेशन से लाएंगे। ये आने वाले एक साल के अंदर विकास में क्या क्या हो सकता है, पूरा भारत सरकार इस नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के अंदर हर मिनिस्ट्रीज को
इन्वॉल्व करके नॉर्थ ईस्ट को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। भारत सरकार एक ही चाहती है नॉर्थ ईस्ट में पूरा कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, वाटरवे कनेक्टिविटी और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कनेक्टिविटी, स्टेबल गवर्नमेंट का कनेक्टिविटी। आप देखिए अभी देश में भी केंद्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, नॉर्थ ईस्ट में भी हर स्टेट में भी एक स्टेबल गवर्नमेंट है। इसके कारण आज जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी मिनिस्टर्स है, विकास के विषय पर सोच सकते हैं। अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो कोई विकास नहीं हो सकता है। इसी दृष्टिकोण से भी आज भारत सरकार एक स्टेबल गवर्नमेंट होने के कारण नॉर्थ ईस्ट में पूरा मुख्यमंत्री के साथ तालमेल के साथ काम करे। कभी इतना कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कोई केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से नहीं होता था। एक एक चीफ मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली में आके 10-10 दिन बैठते थे। 10-10 दिन बैठने के बाद भी मिनिस्टर नहीं मिलते थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलते थे। आज वो स्थिति नहीं है। हमारा प्रायोरिटी है नॉर्थ ईस्ट। जो भी मिनिस्टर्स आते हैं, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, जो भी अधिकारी आते हैं, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज प्रायोरिटी लेकर उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको स्वागत करते हैं, समस्या हल करने के लिए प्रयास करते हैं। वैसे ही आने वाले दिन में जितने भी हमारा एग्रीमेंट्स हुआ है अलग अलग इंसर्जेंसी ग्रुप्स के द्वारा, वो भी हम स्पीडी उस समस्या को हल करने के लिए हम काम करने वाले। बॉर्डर डिस्प्यूट के लेकर कुछ डिस्कशन हुआ क्या बॉर्डर को लेकर? बिल्कुल, बॉर्डर इश्यूज जो भी है, बॉर्डर इश्यूज आने वाले दिन में वो हल करने के लिए सभी मिनिस्टर के साथ बातचीत किया है। लगभग 80% वो इश्यूज सॉल्व हुआ है। अभी छोटे छोटे इश्यूज है, वो भी हम मुख्यमंत्री के साथ बैठकर राजनीति से उठकर, क्योंकि एक विलेज है, मैं असम में हूँ, मैं मेघालय हूँ, मैं मिजोरम में है, मैं असम में हूँ, ये कोई गांव ऐसा सोचना नहीं चाहिए, कोई गांव को ऐसा टेंशन में नहीं रखना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं भारत सरकार एक प्रेम से सभी लोग मन से चर्चा करके ये बॉर्डर समस्या हल होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन के साथ, प्रेम के साथ ये बॉर्डर समस्या हल करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सर, असम के फ्लैट को लेके सर क्या प्लानिंग है सर? अभी कल का एक डिसिट्स का सैटेलाइट के द्वारा ये फ्लड्स को रोकने के लिए काम करना चाहिए ऐसा निर्णय किया है। कल पूरा शाम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नेसिड्स का मीटिंग हुआ है। उसका एजेंडा एक ही था, नॉर्थ ईस्ट में कैसा फ्लड्स को रोकना चाहिए। इसके लिए कुछ नेचर रहते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकते, मगर जो ह्यूमैनिटी के द्वारा जितने भी हम कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसा यूज करना चाहिए इस बाढ़ को रोकने के लिए, फ्लड्स को रोकने के लिए, वो भी चर्चा किया है। वो भी आने वाले दिन में हम पूरा काम करेंगे। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দল।